और इंफॉर्मेशन ब्लॉक के तरफ से आप पेश करें फिजर सर। इसके बाद और दो मुखर्रिर हैं, वो तीन तीन मिनट आपके सामने एक प्रोग्राम के ताल्लुक से रखेंगे। पेश है खिजर साहब, इनके बाद। जवाब
सही से तो कानून बना गया है, सही है या गलत है, या सही सही गया तो सही तरह से इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये बात सही चीज को कौन डिफेंड कर पाए, कानून सीधा है या नहीं, सही है नहीं, ये सही तरह से इंप्लीमेंट किया गया है नहीं, जिसको करने का पावर सिर्फ और जुडिशियल ही करना पड़ता है, ये लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, ये तीन तरह एक बॉडी आगे से कानून बना सकती है, दूसरा जो है ना उसको पार्टी में ला सकती है, तीसरा ये जो कानून बना गया है सही है या नहीं, यहाँ तक सुनिए का कानून कैसे भाव है, जब कौन सा भी कानून बनाया जाता है यहाँ पे स्टेट में हो या पार्लियामेंट में हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आगे रहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के जो नियम है उसके अंदर जो रूल है वो दूसरों के बिना नहीं रह सकता, उसके दायरे में रहना चाहिए। और इधर सवाल आता है ये कि कानून जो है ये बैकग्राउंड में ये कानून देखा जाए, पहला चीज क्या है इसके अंदर तीन एक्ट है, दो एक्ट है इंडियन फेडरल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये दोनों भी ब्रिटिश के जमाने में लगभग 100-150 साल पहले इनएक्टेड हुआ एक्ट है, यहाँ तक सिंगल प्रोसीजर कोड एक्ट क्या लिखी है 1970 में हमारे इतिहास में बनाए गए, बहुत सारे लोगों को ये जो है जब 1947 में हमारे इंडिपेंडेंस आए जब से है ना वे ब्रिटिश चले गए, ब्रिटिश के रूल कहते थे वैसा ही चुप लगे, इसको चेंज करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, लोगों भी बोलते थे और सुप्रीम कोर्ट बार बार अलग अलग मसले सुप्रीम कोर्ट के सामने रह सकते, ये तो कलोनियल है ब्रिटिश के जमाने का है, इसको चेंज करना बोल के बार बार बोला अलग अलग आमतौर पे एक क्रिमिनल लॉ की घोषणा आगे बोल के मैंने देखा है पता है बोले एक घर पुराना हो गया, घर पुराना हो गया, पुराना हो गया है एक पशु डालती है, इसका मतलब क्या करना चाहिए, क्या तोड़ के नया बनाना है या उसी को रख के अब जाते हैं दिवाले पे ठीक हो गए हो गया फायर तो नहीं है उसके बावजूद क्या करना चाहिए, ये तो की कानून जो लाने से पहले हमारे डॉक्टर क्या है क्रिमिनल जस्टिस क्या है जो क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस में हड़प की हमारे संविधान के तौर में किसी फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम ऑफ आए क्रिमिनल जस्टिस अपने को जो होना है
ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್
Thank you, sir.